ओके जी, तो आज के सेशन के अंदर हम मालूम करेंगे कि सिंपल मार्कशीट के अंदर अगर हमें कल को किसी स्पेसिफिक बच्चे का ग्रेड मालूम करना है तो उस ग्रेड के हिसाब से उसका यानी परसेंटेज के हिसाब से उसका ग्रेड क्या बनेगा। सही है, तो यहां पे हम उसका ग्रेड बनाने के लिए क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे। सही है, अब आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि आपको इसको भी इनहेंस करना है ना। तो आपके इस बड़े सेल जो मर्ज किया इसको और जो इसके राइट में सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे एक बार क्लिक करेंगे तो उसके जो सेल मर्ज थे वो हट जाएंगे, याद रहे। एक बार और प्रेस कर देंगे तो फिर से मर्ज हो जाएंगे। कौन से क्लियर हो गया? तो सिंपली यू हैव टू फॉलो दीज काइंड ऑफ स्टेप्स। उसके बाद आप चाहते हैं इस पूरे कॉलम पे भी बॉर्डर शो हो तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट द होल कॉलम जहां तक वो सेल्स में डेटा आएगा, तो यहां पे आके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर। कौन सा क्लियर हो गया? तो आपके ये सारे के सारे सेल्स के ऊपर ये बॉर्डर नजर आ जाएगा। उसके बाद अब आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो ग्रेड मालूम करेंगे वो नेस्टेड इफ के फंक्शन के थ्रू करेंगे। सही है, क्योंकि नेस्टेड इफ का फंक्शन बार बार एक ही चीज को या एक से ज्यादा चीजों को चेक कर रहा है। कौन से क्लियर? देखें, हमें यह मालूम करना है कि अगर बच्चे की परसेंटेज अभी तो चलो हमारी 46 है, लेकिन कल को जब आप किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल को यही मार्कशीट बना के देंगे तो डिफरेंट बच्चों के मार्क्स यहां पर डालेंगे, है ना। तो आप फॉर एग्जाम्पल ये शीट बना लेते हैं किसी स्कूल के लिए, तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे कि ये डेटा जहां जहां फार्मूले लगे हैं वो तो रहने देंगे और ये वाले सब्जेक्ट से मार हटा देंगे। सही है, स्टूडेंट्स के नाम भी हटा देंगे, फिर जो वो स्कूल होगा वो यहां पे आके वन बाय वन एक एक बच्चों के मार्क्स इंसर्ट करता जाए। कौन से क्लियर है? जो एंट्री ऑपरेटर उनका रखा होगा वो वन बाय वन एक एक स्टूडेंट की मार्क्स एड करता जाए। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपके वो बच्चे या तो फेल होंगे या तो पास होंगे या उनकी क्या क्या परसेंटेज बनती है। अब कल को मुझे ये नहीं ना पता कि कौन से बच्चे की कितनी परसेंटेज बनेगी, तो उस लिहाज से हम ग्रेड उसका मालूम करें। तो पॉसिबल है कि बच्चे की परसेंटेज 20 बने, 30 बने, 40 बने, 80 बने, 70, 90 या 100। अब हमें पता है कि हमारा जो ग्रेड होता है वो इसी परसेंटेज की बेसिस पे असाइन होता है। ऐसे ही है, तो हम क्या करेंगे, आज हम नेस्टेड इफ यानी बार बार उसी परसेंटेज को चेक करते रहेंगे कि पॉसिबल है कल को वैल्यू कोई भी आ सकती है, 0% भी आ सकती है, 100 भी आ सकती है, और यहां 0 से लेकर 100 तक कोई भी परसेंटेज आ चुके। सही है, एक्चुअल में हम इस एप्लीकेशन को अपने आने वाले टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। आंसर क्लियर है, यानी प्रोटेक्टेड वैल्यूज हम उसको दे रहे हैं। इक्वल टू लिखेंगे इफ, इक्वल टू इफ लिखने के बाद आपने ये इसको जो कंडीशन देनी है वो क्या देनी है, आपने इसको बताना है कि यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और इसको लॉजिकल टेस्ट क्या देनी है कि अगर ये परसेंटेज है ना, ये वाला कॉलम क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 है। क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100? अब ये तो कोई लॉजिक बनी नहीं, तो हम क्या देंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो 90, यानी 90 से लेकर 100 के बीच, है ना। तो परसेंटेज अगर क्या होती है, ग्रेटर देन 90 होती है, तो उस बच्चे का ग्रेड क्या बनना चाहिए, A1। कौन से क्लियर हो गया? सही। उसके बाद कॉमा देंगे और इसी परसेंटेज को फिर से इसी इफ फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब ये चीज याद रहे कि पहली वाली इफ जो यहां से शुरू हुई है उसको मैंने बंद नहीं किया, उसी के अंदर दूसरी इफ शुरू कर दी, ऐसे ही है ना। तो इसीलिए हम इस फंक्शन को नेस्टेड कहते हैं, यानी किसी फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन। कौन सा क्लियर हो गया? अब ये कंडीशन क्या है कि I3 यानी ये परसेंटेज वाले वैल्यू अगर बड़ी होगी या बराबर होगी 90%, परसेंटेज देना यहां लाजमी है। कौन से क्लियर हो गया? I3
आई थ्री हमारे एक्चुअल में इस कॉलम का जो सेल है, आई कॉलम थ्री हमारा रो। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस सेल की जो वैल्यू है उसी का नाम है आई थ्री, है ना, कि इस सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल है 90% के, परसेंट की सिंबल इसीलिए दे रहा हूं कि यहां पे परसेंट की सिंबल है, सही है, या हमने ये प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा था कि परसेंटेज का क्या काम है, ठीक हो गया। फिर मैं दूसरी कंडीशन इसी सेल पे दूंगा, है ना, कि कल को पॉसिबल है कि 90 हो, या फिर कल को पॉसिबल है कि आई थ्री के इस सेल के अंदर वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो 80%। कौन सा क्लियर हो गया? तो अब A1 नहीं, अब क्या होगा बेटा, A ग्रेड होगा, सही है। अगर कल को 80 भी नहीं उठाता बच्चा, 90 भी नहीं उठाता, तो हम 70 और 80 के बीच में रेंज चेक करेंगे ना, है ना, तो हम चेक करेंगे अगेन इफ अगर इसी I3 यानी इसी सेल में कल को परसेंटेज 90 भी नहीं आती, 80 भी नहीं आती, या 90-100 भी नहीं आती, 80-90 भी नहीं आती, तो शायद पॉसिबल है कि 70% आ जाए। ऐसे ही है ना कि I3 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो 70% के, तो हमें बताए कि वो ग्रेड बी है। क्या है वो? ग्रेड बी है, वरना फिर से चेक करें, क्या चेक करें, इफ I3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%, तो हमें बताए कि इस बच्चे ने सी ग्रेड उठाया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सही है। उसके बाद हम अगेन उसको चेक करेंगे कि इफ बच्चे की मार्क्स I3 के अंदर आने वाली है, I3 हमारे सेल की एड्रेस या उसका नाम हम कह सकते हैं, अगर मार्क्स आती है 50% के बराबर या उससे बड़ी, यानी 50-59, है ना, अगर यहां से कोई मार्क्स आ जाती इस रेंज से, तो वो बच्चा डी ग्रेड में हमारा काउंट होगा। कौन से क्लियर है? अगर वो 50 भी नहीं उठाता तो हम उसको कहेंगे कि वो बच्चा फेल है, तो लास्ट में हम यहां पे else लगा देंगे। कौन से क्लियर है? ये मैं समझा चुका हूं, जो बच्चे प्रीवियस सेशंस पे होंगे उनको आइडिया होगा, सही है। फिर आपकी जितनी भी इफ कंडीशंस ओपन हुई हैं, उनको वन बाय वन क्लोज करते जाना। देखें हर इफ कंडीशन की जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है उसका कलर डिफरेंट है, सही है। तो जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ जीरो प्रेस करूंगा तो पिंक क्लोज हो, यानी बिल्कुल लास्ट वाली जो हमारी कंडीशन थी वो क्लोज हो गई। फिर ग्रीन, फिर कौन सी वाली, ये पर्पल है, उसके बाद फिर से रेड, उसके बाद ब्लैक। ब्लैक विल बी द लास्ट आयुगन से फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है। कौन सा क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम किसी भी बच्चे की ग्रेड को मालूम कर सकते हैं। मैं एंटर कर देता हूं तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज बता देगा कि ये बच्चा फेल है, बिकॉज दिस स्टूडेंट गॉट 46% इन हिज यूगन से मार्क्स, राइट। अब अगर मैं यहां से मार्क्स बढ़ा देता हूं, मैं 60 दे देता हूं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा यहां पे कौन से ग्रेड में आ चुका है, सी ग्रेड में, क्योंकि हमने लॉजिक वही लगाई थी और वो बच्चा पास भी हो गया होगा। ओके जी, अब उसके बाद यही फार्मूला हम अगर बाकी के सेल्स के अंदर चाहते हैं तो इस कॉर्नर से बस क्या कर दो, नीचे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये याद रहे कि कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि हम इस सेल के अंदर अप्लाइड फार्मूले को बाकी सेल्स के अंदर डुप्लीकेट करना चाहते हैं, सही है। तो ये डुप्लीकेट हो गया है, इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, हम सेंटर में रख देते हैं। सो आपकी ये बन चुकी है एक कंप्लीट बेसिक मार्कशीट, जिसके अंदर हमने एक बच्चे के ऑप्टेन मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड मालूम कर लिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट।